कभी आप कोई ऐसी जगह गए हो जहां से वापस आने का मन नहीं कर रहा हो? मैं बिल्कुल ऐसी ही एक जगह पे हूं जिसका नाम है मदीना। आज हमारा मदीना में आखिरी दिन है और हमें जाना है वापस अपने घर इंडिया। तो शॉपिंग करना है, पैकिंग करना है और निकलना है। तो आज के वीडियो में यही। सुबह उठे, नाश्ता किया और मस्जिद नबवी आ गए। जोहर की नमाज पढ़नी है तो वो कर लेते हैं। एकदम रौदा के बगल में ही नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत मुश्किल से यहाँ पे जगह मिलती है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पहले से जगह बुक करके बैठना पड़ता है। अभी अब्दुल्ला ने बोला है कि वो बिना चप्पल के चलेगा ग्रेनाइट में। मार्बल में तो चल सकता है, अभी ग्रेनाइट में देखते हैं एक मिनट भी चल पाता है कि नहीं। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है ना, चल अभी देखते हैं कितना देर चल पाता है। हो गया, पैर वैर मुड़ना चालू हो गया, ठीक है ना, दुख रहा है, हो गया। हम क्यों चले, हमको पता हम नहीं चल पाएंगे, हम क्यों चले। चप्पल क्यों छोड़ के आते पता नहीं, उठा लेना भाई किसकी भी चप्पल उठा लेना। भैया अभी जा रहे हैं होटल, आज हम लोग को निकलना है, हम लोग जा रहे हैं वापस इंडिया। आज हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये जगह को बहुत मिस करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे। ये जगह माइंड ब्लोइंग जगह है, कुछ बोल नहीं सकते, स्पीचलेस हो जाते हैं यहाँ जब आते हैं। और इस बार तो एकदम फंटेस्टिक ही हो गया, बारिश हो गई थी मदीना में, नहा लिए एकदम जम के नहाए। तुम्हारा कैसा नहाना हुआ जब बारिश हो रहा था? तुम लोग भाग के आ रहे थे, भाग के आ रहे थे हरम में, तो हरम में बारिश बंद हो जा रहा था, वो फिर वापस जा रहा था एक दैत के वजह से हो रहा था। फिर वो गम गया, मतलब हम छूट गए, फिर हमको भी बारिश मिली, बहुत मज़ा आया, बहुत दुआ की हमने। दुआ किया ना यहाँ पे, पर अच्छा हम यहाँ पे थे, सेंटर में थे एकदम बाहर के, एकदम दुआ किए हम लोग, मज़ा आया बारिश में भीग के नहा के। अगर आपने वो ब्लॉग चेक नहीं किया तो वो ब्लॉग अभी चेक कर लो, मैं ऊपर में लिंक दे देता हूँ, बारिश वाला ब्लॉग। A few moments later. मगरिब का वक्त है, वापस आ गए हैं मस्जिद नबवी। यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, वो आपको भी दिखाते हैं, चलिए। आपने अगर भैया मदीने में शाम नहीं देखी तो भैया आपने कुछ नहीं देखा, चेक करो, अमेजिंग, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ के पता चला कि लाइन में लगना पड़ेगा तो हम भी लग गए लाइन में। तो ये यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है काबा शरीफ में, क्या परफ्यूम, क्या औद यूज़ होता है, देखिए हमारा वीडियो में चल रहा है क्या यूज़ होता है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे है। और यहाँ पे किस्वा में भी सिलाई होता है, तो देखते हैं कि अभी हम लोग को मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है कि किस्वा में अपने सिलाई टाका मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, देखते हैं। अंदर जाते हैं, एग्जीबिशन खुले तो फिर अंदर जाएंगे। तो भैया अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, एग्जीबिशन खुल चुका है, हम लोग वेट कर रहे थे, अभी लाइन लगा के अंदर घुसे हैं और आपको दिखाते हैं अंदर जाके। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स डिस्प्ले पे हैं जो काबा शरीफ के फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत फोटोग्राफ्स हैं, वो सब डिस्प्ले पे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं भैया, ये सेटअप है किस्वा का टुकड़ा। किस्वा क्या होता है? जो काबा शरीफ के ऊपर जो गिलाफ लगता है उसे किस्वा कहते हैं, और हर साल एक नया किस्वा लगता है, पुराने वाला उतर जाता है। ये प्रिंट जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, और भी कलमा लिखा हुआ है, ये काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर यही प्रिंट होता है। चलिए देखते हैं कि एग्जीबिशन में और क्या है। ये सारे जो सिलाई किए हुए हैं ये एक्चुअल काबा शरीफ से निकाले हुए, पिछले साल के गिलाफ से निकाले हुए हैं। ये बखूर है जो काबा शरीफ में यूज होता है। ये औद है जो औद और रोज़ वाटर है जो ग्लास में यूज़ होता है और आपके हजरे अस्वद में लगाया जाता है। अब ये जो कप्स प्याले और आप बर्तन देख रहे हैं ये क्या है? ये काबा शरीफ को धोने के लिए यूज़ होते हैं। अंदर में जब काबा शरीफ का गेट खुलता है और यहाँ का जो किंग है अंदर जाता है और वो पूरा काबा को अंदर से धोते हैं, तो ये यूज़ होता है, ये बर्तनें यूज़ होती हैं। ये गेट वाला कपड़ा है, ये एक्चुअल जो कलमा गिलाफ में यूज़ होता है, ये पिछले साल का गिलाफ का कलमा है, सब खोल के रखा हुआ डिस्प्ले के लिए। या रहमान या रहीम लिखा है, या हय्यू या क़य्यूम,
शेख हजरे अस्वद को परफ्यूम लगा रहे हैं। सेंटर में जो ब्लैक स्टोन है उसे हजरे अस्वद कहते हैं, वो जन्नती पत्थर है, और साइड में जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सिल्वर का बना हुआ है टू प्रोटेक्ट दैट स्टोन। भाई इसको टच करने के लिए ना मेरी जान निकल गई थी, सिर्फ इसे टच करने के लिए एक घंटा लग गया था मुझे। ये जन्नत का पत्थर है, पहले सादा हुआ करता था बट ये काला हो गया लोगों के बुराइयों को चूसते चूसते। ये है किसवा का टुकड़ा जो अभी काम चल रहा है, जो नेक्स्ट ईयर लगेगा काबा शरीफ के ऊपर, एंड इसमें गोल्ड के टाके लग रहे हैं। तो हमने अभी पता किया कि क्या हम लगा सकते हैं टाके, तो नहीं लगा सकते, हमें किसवा फैक्ट्री जानी पड़ेगी। किसवा फैक्ट्री में ही आप परमिशन लेके जाओ और आप टाके लगा सकते हो, यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। तो आई एम लिटल डिसअपॉइंटेड बट कोई नहीं, अगली बार जब आएंगे तो इंशाल्लाह किसवा फैक्ट्री जाएंगे। किसवा फैक्ट्री की अपॉइंटमेंट आपको कैसे लेनी है ये वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर ले। ये पिछला साल का गिलाफेड काबा है, लोग काफ़ी लाइन में लगा के रखे, हम लोग फर्स्ट लोग थे, फर्स्ट बैच जो अंदर गए, जब लोग निकलेंगे तो फिर दूसरा बैच अंदर जाएगा। सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छे से सब कुछ देखा, विजिट किया, पुराने गिलाफा काबों को भी टच किया अल्हम्दुलिल्लाह। बट किसवा पे स्टिच मारना अलाउड नहीं था यहाँ पे, तो आपको किसवा फैक्ट्री की परमिट निकालनी पड़ेगी और फिर वहाँ किसवा फैक्ट्री विजिट करना पड़ेगा और तभी जाके आप किसवा पे स्टिच लगा सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, नेक्स्ट ट्रिप में आएंगे, तब किसवा फैक्ट्री जाएंगे। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये मस्जिद नबवी का एक्सपेंशन वाला पार्ट है। मस्जिद नबवी इस एरिया में और एक्सपेंड कर दिया जाएगा। मस्जिद नबवी के बगल में एक म्यूजियम भी है और एक एग्जीबिशन भी है जहाँ आपको इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। बगल में एक और एग्जीबिशन है जहाँ पे आपको आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ हिस्ट्री एंड बायोग्राफी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो हम लोग अभी आए हैं ये एग्जीबिशन वाले सेंटर में, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी दिखाया जाएगा। तो ये एक वॉकिंग टूर एग्जीबिशन है, यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे इनका लाइफ के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। टिकट्स लेने पड़ते हैं। ये वाला एग्जीबिशन देख काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो अगर आप भी आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। हम लोग गए नहीं वहाँ पे क्योंकि हमें करना है खजूर की शॉपिंग, क्योंकि आज लास्ट डे है और घर के लिए खजूर लेके जाना ज़रूरी है। 310 नंबर गेट है मस्जिद नबवी के, 310 नंबर गेट के सामने एक मस्जिद है, उसके पीछे है मदीना तैयबा होटल, हम लोग को वहीं जाना है। देखिए यहाँ के सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, सब बैठे हैं और देखो बहुत चिल वाइब है यहाँ का, सब आ रहा खा रहा पी रहा है। अगर आपको ये एरिया खोजने में परेशानी हो रही है तो किसी से भी पूछे कि मदीना तैयबा होटल कहाँ है या अल गुमामा मॉस्क कहाँ पे है। बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है और इसके बाहर जो सीटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत ही पसंद आया हम लोग को। ये आफरीन को देखिए अभी एक नया पेट लेके आई यहाँ पे, क्या हो रहा है ये सब, कौन है ये, चलो हो गया हो गया हो गया, नीचे 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 बेसमेंट में, बेसमेंट में मार्केट है खजूर का। तो हम लोग अभी आए खजूर लेने के लिए होटल तैयबा मदीना के नीचे बेसमेंट में खजूर मार्केट है, हम लोग वहीं आए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ खजूर है, टॉफीज है, क्या दाम है इसका, तो मबरूम है पूरा खजूर का शॉप है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। चॉकलेट्स भी है, खजूर का बनाया हुआ चॉकलेट्स भी है, गिफ्ट के लिए वो सब भी ले सकते हैं।
ठंडक की वजह से थोड़ा बहुत चाहड़ होगा भाई, मजीद और भी सॉफ्ट हो जाएगा भाई। नरम होना चाहिए ना। खजूर की दुकान के अलावा यहाँ पे कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे दुकान है। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। आफरीन का माइंड चेंज होने से पहले यहाँ से निकल चलते हैं। तो भैया अभी हम लोग एक खजूर की दुकान में गए थे और खजूर समझ में नहीं आ रहा था, खजूर काफी खड़ा था, लग रहा था फ्रेश नहीं है। तो अभी हम लोग वापस बाहर निकल चुके हैं और नमाज का वक्त है, अभी जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, फिर अपनी शॉपिंग कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कुछ और दुकान। मस्जिद नबी और उसके बैक साइड में है ये अलमजीदी शॉपिंग सेंटर, तो इसमें हम लोग गए थे खजूर लेने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कैसे आए तो मैं आपको बता देता हूँ, 330 नंबर गेट पे आएंगे अगर आप, और आपको उल्टा फुट में ये खूबसूरत सी ब्रिज दिखेगी, उसके बाएँ वाले ये बिल्डिंग है, तो आप यहाँ आराम से आ सकते हो, पता चल जाएगा आपको। हमारे होटल के पास ही एक शॉप है, वहाँ से अच्छे डील में खजूर मिल गया। तो ये हो गया हम लोग का खजूर, 3 किलो अजवा और 5 किलो कलमी। तुम लोग लेगा कि नहीं लेगा? तुम लेगा नहीं क्या? हाँ सर, उसको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट बाउंटी चाहिए, खाली बाउंटी का लालचा। चार पैकेट बना दो भाजी, दो ये अपने भाई हैं। आपका नाम क्या है बोलिए? मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद क्या? डिटॉल। क्या है? डिटॉल। डिटॉल भाई बांग्लादेश से अपने भाई हैं। ये अभी आमिर उमर के लिए ले रहे हैं हम लोग। ये उमर के लिए, ये आमिर के लिए, रायन और अफजल के लिए, रायन और अफजल के लिए। अच्छा, रायन और अफजल जब आएगा तो लोग के ले लेना है। अब्दुल्ला तुम आज पार्टी देगा ना, आज फर्स्ट डिवीजन से आया, चलो पार्टी दो। नहीं अलबैक, चलो शॉपिंग मेन ब्लॉगर यहाँ है, देख सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हैं अपना शॉपिंग हो चुका है, शॉपिंग यहाँ हमारा नहीं हुआ है, यहाँ इनका हुआ है। As you can see, यहाँ हमारा 6th floor आ चुका है और ये जाएंगे 10th floor, और यहाँ देख लो भाई, ठीक है। ये देखो दुखी आत्मा, दूसरा दुखी आत्मा, ये तीसरा दुखी आत्मा, जातू भी आया ऊपर भाई, शट भी भाई, देख लो भाई। चलो तू साथ में चल ऊपर, फिर नीचे आएगा। होटल आ गया, पैकिंग कर लिया और बस आ गई हमारे, हम लोग निकल चुके हैं जेद्दा की तरफ। अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए जेद्दा एयरपोर्ट और अभी पहले जमजम ले लेते हैं। भैया एयरपोर्ट के बाहर ही जमजम का काउंटर है, वहां पे आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा और 8.5 रियाल पे करने पड़ेंगे और आपको जमजम का 5 लीटर का कैन आपको मिल जाएगा, जो आप इमिग्रेशन को क्रॉस करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ भी आप रहते हो वहाँ आप ले जा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो अपने लगेज में बोतल भर भर के जमजम अपने बैग में डाल के ले जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फ्लाइट सर्टिफाइड जमजम है और आपको ये एयरपोर्ट से ही मिलेगा, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। चेक इन करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं और अपने फ्लाइट की तरफ निकलते हैं। तो भैया मदीना को गुड बाय कह दिया है और फाइनली अब इंडिया की तरफ निकल रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अडियोस।